हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो यहाँ पे करण, तेजस्वी, उमर, विशाल अभी यहाँ पे लिविंग एरिया के सोफा पर बैठे हुए थे और बात कर रहे थे नॉमिनेशंस के बारे में। क्या बात कर रहे थे, तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको बिग बॉस की खबरें यहाँ पर मिलती रहे। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि करण नॉमिनेशन से बहुत परेशान लग रहे हैं, क्योंकि जब जब नॉमिनेशंस का कुछ आता है तब वो तेजस्वी और वो उमर, वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं और बात करते हैं कि काश हम में से कोई ना जाए। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि करण सर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो नॉमिनेटेड हो चुके हैं शायद। क्योंकि विशाल भी बात कर रहे थे कि अगर हम ही नॉमिनेट होने वाले हैं तो हमें पहले पता चल जाता तो इतना उदास ना होना पड़ता। अगर हमको पहले से ही पता हो लग जाता कि हम 2 हफ्तों के लिए नॉमिनेटेड हैं तो हम उदास नहीं होते। हम बोलते कि अच्छा, हम नॉमिनेटेड हैं, चलो ठीक है, चलेगा। तो गाइज, आपको क्या लगता है कि कौन है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और किसे जाना चाहिए इस हफ्ते नॉमिनेशन में? हमें कमेंट पे लिख के जरूर बताना। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें।